गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजरे की खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। हमने यहाँ एक कटोरी बाजरा ले लिया है, आधी कटोरी शक्कर, चिरौंजी, इलायची, बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू। बाजरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें फाइबर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसी बनती है इसकी खीर। तो ये जो बाजरा है, पहले हमने इसे 6 से 7 घंटे पानी में गला दिया था। उसके बाद आप कुकर में 6 से 7 सीटी बाजरे को डालने के बाद बुला दीजिए। उसके बाद आपका बाजरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए, और कुकर में आप अगर एक कटोरी बाजरा डाल रहे हैं तो आप 1.5 कटोरी उसमें पानी डालिएगा। तो उसके बाद प्रोसेस देखते हैं कैसे बनती है। तो चलिए, तो हमने यहाँ लगभग 1/2 लीटर से ज़्यादा 3 पाव के लगभग दूध ले लिया है और इसे अच्छे से हम लोग उबालने के लिए रख दिए हैं। तो दूध अच्छे से पक चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे बाजरा। हम अभी इसमें शक्कर नहीं डालेंगे, अब हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। बाजरे की खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब इसे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 से 15 मिनट हो गए और हमारा बाजरा भी अच्छी तरीके से पक भी चुका है। तो अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो लगभग 1/2 कटोरी शक्कर हमने इसमें डाल दी है और लगभग 5 से 10 मिनट हम शक्कर को पकने देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और शक्कर भी पक चुकी है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, थोड़ा सा से मिक्स कर लेते हैं और हमारी खीर सर्विंग के लिए एकदम तैयार है। तो हमारी बाजरे की खीर बनकर एकदम तैयार हो गई है। ये खीर बाजरे में भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए घर पे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।